बिहार जो है क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री होता जा रहा है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। कल बड़ा हास्यास्पद था जब मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट हम लोगों ने देखा। मजबूर, बेबस, लाचार और बेहद ही कमजोर और थका हुआ मुख्यमंत्री बिहार के जो चोर दरवाजे से बने हैं माननीय नीतीश कुमार जी लग रहे हैं। पत्रकारों के सवाल को लेकर के जो जायज सवाल है कि अपराध क्यों बढ़ा, कब रुकेगा, प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पत्रकारों से ही धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मनोबल जो है आप मत गिराइए पुलिस वालों का। अब बिहार में लगातार सत्ता सरकार जो है, जो बैठे हुए सत्ता में, वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक आध उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है, चाहे बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड का क्यों ना हो। और मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं जब रुपेश सिंह की हत्या होती है कि अपराधी पकड़ा जाए, वो किससे अपील कर रहे हैं। लगातार 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री गृह डिपार्टमेंट उनके पास, और वो मांग कर रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं, विपक्ष से मांग कर रहे हैं कि अपराधी को पकड़ो। कौन पकड़ेगा अपराधियों को? पूरी तरीके से एनसीआरबी का आंकड़ा वो दे रहे हैं, उनको पता होना चाहिए एनसीआरबी के उन्हीं के आंकड़ों में जो संगीन मसले हैं, हत्या जैसे, अपहरण जैसे, बलात्कार जैसे, बिहार दूसरे और तीसरे नंबर की राज्य में है। हम केवल मात्र सवाल इतना ही पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि बिहार में अपराध किन कारणों से हो रहा है और कौन कर रहा है। पत्रकार सवाल पूछे तो उनको जानकारी नहीं, वो अज्ञानी हो जाते। विपक्ष सवाल करे तो उनको कोई ज्ञान नहीं रहता। यानी ज्ञान का भंडार और सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति हो केवल मुख्यमंत्री हो। आश्चर्य लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि किसने अपराध किया है। और यही भिक्षा समीक्षा जो करते रहे हैं, पैसे का लेन देन, अधिकारियों का तबादला, इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कई एक प्लेटफॉर्म पर, आरसीपी टैक्स को लेकर के। आज उनके अधिकारी, कमिश्नर हो, डीजीपी हो, कोई फोन नहीं उठाता। और इसलिए हमको लगा कि भाई बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, किससे सवाल कर रहे हैं। सरकार में बीजेपी है लगातार 16 सालों से। पहली बार प्रदेश का दो उप मुख्यमंत्री मिला और दोनों एक ही पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं, कौन कार्रवाई करेगा। ये बीजेपी के लोग या नीतीश कुमार जी की पार्टी सरकार पे कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना अपराध बढ़ गया, दिन दहाड़े किस प्रकार से पटना जो राजधानी है वहां रुपेश सिंह को क्रिमिनलों ने, अपराधियों ने भून डाला। उनकी बेटा 4 साल का है, वो कहते हैं कि हमको बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं 4 साल का लड़का
जब कहता है बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार पुलिस की स्थिति क्या है। कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज हमने कुछ देर पहले एक चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमने ईमेल कर दिया है। हम चाहेंगे कि इस चिट्ठी को आप लोगों के सामने रखें। लेकिन कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं? मधुबनी में बच्ची का आंख निकाल लिया जाता है, जो गूंगी बहरी बच्ची थी, रेप किया जाता है। मुजफ्फरपुर में आप देखे होंगे कि घर में घुस करके रेप करके जला दिया गया। ऐसे ऐसे अपराध जो हम लोगों ने नहीं देखे। मौजूदा एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार तो ट्रबल इंजन में बदल गई, लेकिन अब बिहार अपराध नहीं सहेगी। बिहार को भयमुक्त बनाना है और सरकार लगातार अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, गृह डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा। ये उनके खुद के सहयोगी सवाल उठा रहे। 4 साल का बेटा वो बिहार पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बिहार में। महाजंगल राज कायम हो चुका है और महाजंगल राज का महाराजा कौन है ये किसी से छिपाने। हमारा साफ तौर पे चुनौती है, 1 महीना में अगर अपराध कंट्रोल में नहीं आया तो हम अपने सारे महागठबंधन विधायकों के साथ दिल्ली कूच करेंगे और राष्ट्रपति से मिलकर के राज्य सरकार की शिकायत और व्यवस्था, जो ग्राउंड हकीकत है, उसको राष्ट्रपति के सामने हम लोग रखेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारे चिट्ठी का जवाब दे ना दे, लेकिन जो बिन मांगा जो हमारा सलाह है उस पर जरूर अमल करेंगे। और हकीकत क्या है सब लोग जान रहे हैं। अब तक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना का अंजाम अपराधियों ने दे दिया है और अब तक कोई ठोस कारण निकल करके नहीं आया। मैं तो सीधा एक ही मात्र सवाल है, बिहार में क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है अपराध? क्या मुख्यमंत्री की इतनी जिम्मेवारी नहीं बनती, नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि इन प्रश्नों का जवाब दे? हालांकि आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, कोई जवाब नहीं है। और एकमात्र छोटे एक पत्रकार के सवाल से, छोटा सा सवाल जो पूरा एक पत्रकार नहीं पूरा बिहार पूछ रहा है मुख्यमंत्री से, उसमें इस तरह की बौखलाहट दर्शाता है कि बिहार को एक थका हुआ, बेबस और कमजोर मुख्यमंत्री बिहार पे थोपा गया। देखिए क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, कई ऐसे मामले हैं। खेमका मर्डर केस आपको पता होगा जो हाजीपुर में, अभी 2 गुप्ता ब्रदर्स को उठा लिया गया, अपहरण हो गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। बालिका गृह में, सृजन घोटाले में, कई बड़े बड़े जगह पे गोपालकंद ट्रिपल मर्डर केस में कहीं ना कहीं से बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो 72 घंटा से भी ज्यादा हो गया तो ये ऐसा लग रहा कि इसमें कहीं बड़े बड़े लोगों का हाथ या इनके मंत्रियों का तो हाथ नहीं। ये तो जांच ही बताएगा या कहीं दबाया जा रहा हो, छिपाया जा रहा हो, कहीं बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। वैसे तो सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन संदेह तो यही होगा ना कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कहीं बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो ना।